रेडी। बस अभी हमने थोड़ी देर पहले बल्कि मैं कहूँगा कुछ मिनट पहले राम सेतु देखी, अक्षय कुमार की जिसे डायरेक्ट किया है अभिषेक शर्मा ने, जिन्होंने परमानु तेरे बिन लादेन जैसी फिल्म बनाई है। और ट्रेलर आया था, शायद उसका रिस्पांस थोड़ा मिक्स था, और आज जब हमने फिल्म देखी तो कहना पड़ेगा शायद जो हमारा जो इंडिविजुअल या ओपिनियन वो भी शायद मिक्स्ड है। फिल्म की शुरुआत दरअसल 2007 से होती है, जब अफगानिस्तान से शुरू होती है, जब तालिबान ने जो बुद्धा के फेमस बाबिया मूर्तियाँ हैं उन्हें तोड़ा था। और फिल्म की शुरुआत है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक पाकिस्तानी आर्कियोलॉजिस्ट, एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट जो कि आर्यन जो अक्षय कुमार, और एक अफगानी आर्कियोलॉजिस्ट, इन तीनों को साथ में दिखाया है। तो शुरू के सीन में ये दिखाने की शायद कोशिश की है कि यहाँ पे कोई इंडिया पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कहानी ये बेसिकली जो शायद 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, जहाँ पे उस समय की जो सरकार थी UPA 1, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया था जो राम सेतु है, जो एक काफ़ी एक रिलीजियस और एक हिस्टोरिकल फिगर है फॉर इंडियंस, स्पेशली फॉर द हिंदू कम्युनिटी, तो उसको तोड़ने की बात की उस समय की जा रही थी। और क्योंकि उस वो तोड़ के वो चाहते थे कि वहाँ पे एक चैनल बनाया जाए जिससे सी ट्रैवल आसान हो। तो ऑब्वियसली वो मेन मैं कहूँगा कि एक इस स्टोरी की बेस है कि जो ऑब्वियसली भक्ति और साइंस इसके बीच का जो ये एक सदियों से ये चला आ रहा है, तो उसको लेके एक डायरेक्टर ने अपनी ओपिनियन प्रकट की है। वो क्या है वो तो खैर जायज़ है, वो जब आप फिल्म में देखेंगे तो पता चलेगा। फिल्म का जो मैं कहूँगा अच्छा पॉइंट ये है कि जो इसके जो अंडर वाटर एडवेंचर है, ओवरऑल जो फिल्म का जो एडवेंचर है वो मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। और वही चीज़ मुझे इस फिल्म की सबसे लुभाई है। अभी अगर मैं इसकी कॉन्स की बात करूँ तो दुर्भाग्य से शायद जो कहीं परफॉर्मेंस की बात है, अधिक मेरे ख्याल से अक्षय कुमार साहब ने थोड़ा ठीक ठाक काम किया, और एटलीस्ट कम्पेयर टू हिज उनकी 5-6 फिल्मों से तो एटलीस्ट उन्होंने एक अच्छी कहानी चूज़ की है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। लेकिन रही बात बाकी एक्टर्स की, जिसमें नुसरत भरूचा है जो उनकी वाइफ का किरदार निभा रही है, फिर जैकलिन फर्नांडिस हो, और फिर एक एक्टर है जिनका मुझे नाम नहीं पता लेकिन वो एक ब्राज़ीलियन जियोलॉजिस्ट प्ले कर रही है, तो ओवरऑल कहूँगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस शायद थोड़ी बेहतर हो सकती थी, और वहीं पे शायद ये फिल्म मार खाती है। रही बात फेथ और साइंस की, तो मैं बस ये कहूँगा कि आप जहाँ पे खड़े हैं तो शायद दर्शक इस फिल्म को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, बट मेरे लिए इसे एक फ्रॉम अ फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू देखना कि एक स्टोरी अच्छी है, उसमें ना सिर्फ इंडिया, ये फिल्म श्रीलंका भी ट्रैवल करती है। और आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगी डायरेक्टर और राइटर अभिषेक शर्मा को कि उन्होंने ये फिल्म ये सब्जेक्ट उठाया है, लेकिन उन्होंने अपनी चाहे वो हिस्ट्री हो, मिथोलॉजी हो, या फिर जो आज की रियलिटी है, उन तीनों पे रिसर्च करके उन्होंने एक अच्छा मिश्रण बनाया है, जो कि मुझे लगता है ये जो जॉनर है एडवेंचर फैंटेसी और ना फैंटेसी तो नहीं बट एडवेंचर ड्रामा बेस्ड ऑन एंशियंट हिस्ट्री या मिथोलॉजी, तो आई थिंक उसकी शुरुआत इस साल हमने कार्तिकेय 2 में देखी थी, अब राम सेतु देखी है। और रही बात अगर हम बात करते हैं SS रजौली साहब की, तो वो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल फॉर्मेट में तो नहीं बनाते, लेकिन उनकी फिल्म की जो इथॉस रहती है वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी रामायण महाभारत है उनसे, या फिर कृष्णा की कथा है, उनसे ही इंस्पायर्ड होती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इट्स बॉलीवुड की तरफ से एक ये डिसेंट एफर्ट है, थोड़ा और ये बेहतर हो सकता था प्योरली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम देंगे इस फिल्म को 5 में से 2.5 या 3 स्टार। राम से तो पिक्चर अभी मैं देख के आ रही हूँ, तो मैं पूरी तरह से राम भगवान में डूब गई हूँ। मतलब इस फिल्म में जो दिखाया है कि एक साइंटिस्ट खोज करने निकलते हैं, राम मतलब कि राम भगवान है कि नहीं, ये पत्थर था कि नहीं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं बाद में, लेकिन उनको पता चलता है कि भगवान की खोज करने की ज़रूरत नहीं होती, भगवान अपने आप सामने आ जाते हैं। ये कोई साइंटिस्ट को भी भगवान ने ही बनाया है। तो इसी में उन्होंने दिखाया कि पुरानी जो गुफाओं में और लाइक जो थे पहले श्रीलंका में जाके भी उन्होंने ढूंढा, और सारे मतलब सबूत भी मिल गए कि राम थे आज से काफ़ी साल पहले। तो वही इसी के ऊपर पूरी फिल्म है, बहुत अच्छे से फिल्म बनाई है, बहुत अच्छे से मेकिंग की है, अक्षय कुमार का काम मुझे अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा उनके रोल को और डेवलप करते तो अच्छा हो जाता। जैकलिन ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया, लास्ट में जो जय श्री राम गाना है वो सब में भक्ति पैदा कर देगा। मैंने ओवरऑल पिक्चर मुझे अच्छी लगी,
सिर्फ इतना है कि अगर कोई समझना चाहेगा तो ये पिक्चर अच्छी है, अगर कोई ये सोच के जाएगा कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, समझना है ही नहीं, तो उसको नींद आएगी, ऐसा है। और मुझे ऐसा लगता है ऐसी पिक्चरें जरूर देखनी चाहिए क्योंकि ये हमको अपनी संस्कृति से जोड़ती है। अभी छोटे बच्चे भी बजरंग वो पढ़ते हैं, हनुमान जी का पढ़ते, रामायण, मतलब मुझे ऐसा किसी ने बोला था कि कार्टून में जितना अच्छा रामायण दिखाई देता है ना, उतना नॉर्मल में नहीं दिखाई देता। तो बच्चों को भी इंटरेस्ट है, तो अगर बच्चे इससे ये पिक्चर देखेंगे तो उनको अपनी संस्कृति से थोड़ा मिलेगा सीखने को, तो उस हिसाब से मुझे पिक्चर अच्छी लगी। सब कुछ ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा पिक्चर स्लो है, गाने भी इतने नहीं हैं, गाने हैं ही नहीं ज़्यादा, तो मतलब एवरेज में मैं 3 स्टार्स दूँगी, लेकिन एक बार तो जरूर देखूँगी। VFX इसका कैसा लगा आपको, जो अंडर वाटर सीन्स हैं, जो राम सेतु के सीन्स दिखाए हैं, वही देखने लायक है। मतलब एक तो कुछ तो वो ओरिजिनल है, इन लोगों ने खोज की और वहाँ गए हैं, तो ये लोकेशंस भी बहुत अच्छी है। और इसकी पूरी शूटिंग बिहार में हुई है, जहाँ पे नया स्टूडियो बना है, तो वो स्टूडियो में भी लग रहा है कि काफ़ी कुछ है देखने लायक। तो मुझे पिक्चर मतलब एवरेज के हिसाब से अच्छी लगी। मतलब ओके, थैंक यू सर। मनीषा जी, कैसे लगी आपको राम सेतु? मुझे राम जी पे बहुत विश्वास है। हनुमान चालीसा याद है, क्लब हाउस में हनुमान चालीसा रूम होता है तो मैं उस पर जाती हूँ, है ना। लेकिन जब ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें ये कहानियाँ लेके जो इसको जो हमारी हमारा जो फेथ है उसको लेके जो कहानियाँ बनती हैं उसमें इस पर विश्वास करना मुश्किल होता है। हालांकि मैं विश्वास करती हूँ कि राम सेतु है, और अगर वो नेचुरली भी फॉर्म्ड है उसको तोड़ने में हमें क्या मिलेगा, है ना। सिर्फ पैसे बनेंगे, जो पैसे बनाने वाले हैं उनसे उनको पैसे बनेंगे, जो नेचुरल फॉर्मेशन है तभी भी मैं उसको तोड़ना नहीं चाहूँगी। अगर राम सेतु है तो राम सेतु है, तो मुझे वो लॉजिक समझ में नहीं आया कि साइंस और हमारा फेथ है उसमें कोई झगड़ा है ही नहीं। और मुझे ये कहानी थोड़ी वीक लगी क्योंकि इट इज़ वेरी ऑब्वियस, फिल्म में जो बताया था उसको पहले विश्वास नहीं होता है, और वो जैसे वो हनुमान जी से मिलते हैं तो विश्वास करा लेता है, तो इट वॉज़ अ वेरी ऑब्वियस स्टोरी। सो सिनेमा अगर बना सकते हैं आपको तो द सिनेमा शुड मेक इट बिगर। और आजकल ऑडियंस को क्या चाहिए, RRR की तरह कोई दासू सा बाहुबली का विजुअली इम्पैक्टफुल चाहिए। ये जो रोबोट था बहुत ही फनी था, वो जिसके अंदर में सबमर्सिबल में जाता है उसको तो खींच लिया जाता है, तो बाकी के ड्राइवर्स अगर जा सकते हैं तो उस सबमर्सिबल की ज़रूरत क्या थी, है ना, जो वो सूट पहन के जाता है। तो इट वॉज़ जस्ट टोटली अननेसेसरी। तो ऐसे ही नुसरत भरूचा, जिसको इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, जो विश्वास करते हैं वो इतनी आसानी से रावण के सामने झुकते नहीं हैं, वो तो झुक गए इतनी आसानी से। तो वैसे देखा जाए तो ये कहानी थोड़ी वीक लगी मुझे, लेकिन बिकॉज इट्स अक्षय कुमार इट वर्क्स। अक्षय कुमार वैसे भी आई लाइक हिम एज एन एक्शन स्टार, तो व्हेन ही डज रोल्स लाइक दिस बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। आई वॉन्ट टू डू यू नो सी हिम टू मारामारी। धड़कन जैसे पिक्चर भी बनाई थी उन्होंने तो बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन जब ऐसी फिल्में बनाते हैं तो ऐसे लगता है कि कहीं गवर्नमेंट के लिए तो हम नहीं कर रहे हैं ये सारी फिल्में। तो ऐसे विचार जब मन में आए तो इसका मतलब है स्टोरी में ध्यान नहीं रहा, और बड़ी गलतियां हैं, डायलॉग अजीब लगते हैं आजकल। जैसे लाइक अपनी बीवी को कितनी बार प्रोफेसर बोला, उसका नाम क्यों नहीं है। और नुसरत भरूचा वो जो प्यार का पंचनामा वही रोल निभा रही है अभी भी, तो थोड़ा सा कुछ हटके करना था राम सेतु में, मुझे विश्वास है, लेकिन इस फिल्म पर नहीं है। तो दिवाली के वक्त जो रिलीज़ किया है वो शायद एक टैक्टिक है कि बोलो देखो हमने दिवाली पे रिलीज़ की थी, दशहरे के वक्त करते हैं, राम जी के वक्त, राम जी की जो विजय होती है लंका में वो भी, और उसका हनुमान जी का दखनी में हैदराबादी बोलना मुझे बहुत ही अजीब लगा। एनीवे, बट पीपल विल वेट फॉर इट टू कम ऑन OTT, यही कहती हूँ मैं। तो एवरेज सी फिल्म है, इट्स गुड।